उपनगर पुलिस ने एक नौजवान से नशे की खेप बरामद की है। ये नौजवान मर्सिडीज कार में इस नशे की खेप को हरियाणा से रोपड़ लेकर आ रहा था। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रोपड़ की गौशाला रोड पर लगाए गए एक नाके के दौरान जब मर्सिडीज कार को चेकिंग के लिए रोका गया तो इस कार की तलाशी ली गई तो इसमें बड़ी मात्रा में पाबंदीशुदा दवाइयां बरामद हुई जिनको नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की ओर से पकड़े गए नौजवान की पहचान इंद्रजीत सिंह उर्फ बाबा निवासी ज्ञानी जैल सिंह नगर रूपनगर के रूप में हुई है और इसके पास से 1000 सिरिंजों के साथ 1500 इंजेक्शन एबल 840 कैप्सूल स्पास्मोप्रोक्सिविन बरामद हुए हैं जिन पर पाबंदी लगी हुई है। इन दवाइयों को नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पकड़े गए नौजवान पर पहले भी नशे को लेकर कई मामले दर्ज हैं। ये इंद्रजीत सिंह एलियस बाबा नाम का लड़का है ते इहदे ते पहला भी वैसे 3-4 मुकदमे हैगे ने, मतलब एक मुकदमा तो ऑलरेडी पहला इहदे NDPS का पहला भी दर्ज है। तो अज दुपहरे 2:30 बजे की करीब गल है भी अपने SHO सिटी जिहड़े आ शमशान घाट के नेड़े उत्थे गऊशाला रोड से नाका लगाया हुआ सी तां उत्थे एक मर्सिडीज कार जिहड़ी इन्हां ने रोकी जो कि इस इंद्रजीत सिंह दी बाबा जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया उहदी कार सी। उहदी इन्हां ने उह मतलब उहदे ते पहले क्योंकि NDPS का परचा दर्ज सी ते कुछ उह आपदे हालात जे तों शक्की बना ले तां उहदी तलाशी कीती तो तलाशी दे कोलों लैण ते उहदे कोलों तकरीबन 3000 दे करीब तां इंजैक्शन मिले दो वक्ख वक्ख कंपनियां दे ते 20000 दे करीब गोलियां ते 1000 दे करीब इहदे कोलों सिरिंज बरामद होए ते काफ़ी वड्डी हैवी रिकवरी है। तो इसलिए इन्हां ने जदों इन्हां ने उत्थे नूं रोकिया तां उहदी तलाशी लैण तों पहलां इन्हां ने मैनूं भी कॉल करके उत्थे मौके ते सद लिया सी, मैं भी मौके ते गया, मेरे सामने इहदी तलाशी लई गई है ते उहदे कोलों आ जिहड़ा सारा समान बरामद होया। की कार्रवाई इहदे ते NDPS जिहड़ा एक्ट दा मुकदमा दर्ज करके इहदी कार्रवाई की गई है, इहनूं सवेरे पेश किया जाऊगा ते उत्थे पुलिस रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाऊगी ताकि पुलिस रिमांड हासिल करके ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਨ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਰੂਪਨਗਰ ਸੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।